शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राजा साहब, हम ऐसे आधे अधूरे ढंग से कब तक मिलेंगे? मैं पूरी तरह से आपकी बनकर जीना चाहती हूँ, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, वो सुनैना भी नहीं। वो दिन दूर नहीं मुझे, तुम देखना जल्दी सुनैना हमारे बीच में नहीं रहेगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कैसे वो हमसे दूर चली। आप मेरी जान है और आप हमारी, और बहुत जल्द आप हमारी रानी बन जाएंगी। ये सब क्या है? अब मेरे रहते किसी और के साथ? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा ना, बहुत सोचा। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि ये सच तुम्हारे सामने आ जाए। पर वो कहते हैं ना कि सच्चाई छिपाई नहीं छिपती। इसीलिए देखो, हमारे जीवन की ये सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ गई। और वैसे भी हम मोहिनी के साथ छिप छिप कर प्रेम नहीं करना चाहते थे, अच्छा नहीं लग रहा था हमें। अधिराज, क्या सोच रहे हैं आप? निकाल दीजिए इसे हमारे कक्ष से और हमारे महल से भी। वैसे भी ये यहाँ रहेगी तो हमारा प्रेम देखकर दुखी होगी ना, और मैं मेरी रानी साहिब को दुखी नहीं देख सकती। सुना रही थी क्या कहा हमारी मोहिनी ने? चले जाओ यहां से। अंतराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे यहां से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? अंतराज, स्वप्न था? तुम्हें देखकर लग रहा है कोई डरावना स्वप्न देखा है ना? जैसे कि राजा साहेब मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए हैं, और तुम्हें ना केवल इस कक्ष से बल्कि अपने जीवन से बाहर फेंक चुके हैं। इसे ये सब कैसे पता चला? तुम हमारे कक्ष में क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से। क्या सुनैना? मेरा मतलब रानी साहेब, अभी अभी तो आपने मुझे महल से जाने के लिए मना किया, अभी अभी जाने के लिए कह रही है? पागल हो गई है क्या? मोहिनी, चिल्लाओ मत सुनैना।
मैंने पागल कहा तो तुम्हें बुरा लगा? क्षमा कर दीजिए रानी साहब, मुझसे भूल हो गई। वैसे तुम बहुत जल्द पागल होने वाली हो, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम दोनों के बीच में इतनी दूरी पैदा कर दूंगी कि अधिराज खुद तुझे इस महल से बहुत फेर देंगे, और फिर मैं बन जाऊंगी अपने राजा की रानी। इतना समय बीत गया है, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो काली शक्ति कौन है जिसने उस शक्तिशाली बाबा को भी मार गिराया। हम उसका पता लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं राजा साहब, और इस प्रक्रिया में चंद्रलेखा जी भी हमारी सहायता कर रही हैं। इससे पहले कि वो काली शक्ति किसी और का अपना शिकार बनाए, हमें उसे खोज निकालना होगा। प्रणाम राजा साहेब। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम राजा साहेब। नवमी पूजन की तैयारियां कैसी चल रही? बहुत अच्छी राजा साहेब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। गांव में सब ठीक है? उस दैत्य के हमले के पश्चात कोई और घटना तो नहीं घटी? नहीं राजा साहब, सब ठीक है, बस एक ही चिंता है। कैसी चिंता? राजा साहेब, लाल घाट से जुड़ी कुछ खबरें मिल रही है। लाल घाट? जी राजा साहब, सुनने में आया है कि जो घाट पर जाता है वो गायब हो जाता है, और इस डर से लोगों ने उस रास्ते पर आना जाना बंद कर दिया है। मंत्री जी, अब हमें इस लाल घाट की अच्छे से जांच पड़ताल करनी होगी। क्या पता उस काली शक्ति के विषय में कुछ जानकारी हमें वहां से प्राप्त हो जाए। आप एक काम कीजिए, नवमी पूजन के पश्चात एक खोजी दस्ता बनाइए, हम स्वयं जाकर देखते हैं कि आखिर इस लाल घाट का रहस्य क्या है। स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर जरूरी नहीं कि हर स्वप्न पूरा हो। मेरे सुहाग को मुझसे छीनकर अपना बनाना, ये स्वप्न है तुम्हारा। ये स्वप्न इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी कभी पूरा नहीं होगा। अधिराज मुझे अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते हैं, और उन्हें मुझ पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। भरोसा तो मुझ पर भी करते राजा साहेब, वरना तुझे मुझसे क्षमा नहीं मांगनी पड़ती। सुनैना, मैंने कहा निकल जाओ मेरे कक्ष से, निकल जाओ मेरे कक्ष अभी। बहुत भोली हो तुम सुनैना, ये कर, ये पलंग, ये बिछौना और अधिराज, सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस महल की रानी के साथ ऐसे अपमानजनक बात करने की? मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, निकल जाओ इस कक्ष से, वरना तुझे अधिराज तो मिलेंगे नहीं और मृत्यु जरूर मिलेंगी। ये तलवार की धार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती सुनैना। खुली चुनौती दे रही हूं मैं तुझे, अधिराज को मैं अपना बनाकर रहूंगी। अगर रोकने की क्षमता है तो रोक ले, ले।
अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हमें वो चंद्रमणि जल्द से जल्द चाहिए। वो सर्पिका हमारी सहायता करने के बजाय हमारे कार्यों में विघ्न डाल रही है। हमारी सहायता कीजिए डाकगुरु, और बदले में हम आपको आज एक और आहुति दे देंगे। तलवार की धार इतनी तेज थी, फिर भी मोहिनी के हाथों में खरोच तक नहीं आई, और उसने मेरे हाथ से तलवार ऐसे छीनी जैसे उसमें बहुत शक्ति हो। नहीं, मोहिनी कोई आम इंसान नहीं लगती है, कोई तो रहस्य है उस मोहिनी में। कहीं बाबा मोहिनी के बारे में तो बताना नहीं चाहते थे, तो क्या मोहिनी है वो काली शक्ति? मैं अधिराज को जाकर सब कुछ बताती हूँ, अब चाहे जो भी हो जाए इस रहस्य को मैं सुलझा कर रहूंगी। आपने राजा साहब को कहीं देखा? वो कहीं बाहर गए रानी साहब। अब केवल चंद्रलेखा ही मेरी सहायता कर सकती है, वो अपनी काली शक्ति का प्रयोग करके उस मोहिनी का सच सामने ला सकती है। डाकगुरु, हमारी सहायता करिए। चंद्रलेखा तो अपने कक्ष में नहीं है, आखिर वो कहां गई होगी? हमें उस तहखाने के द्वार की चाबी चाहिए डाकुर, ताकि हम उस चंद्रमणि तक पहुंच पाए। एक नक्शा है जिसकी सहायता से तुम उस द्वार की चाबी तक पहुंच सकती हो, और उस नक्शे तक पहुंचना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वहां केवल पवित्र शक्तियां या फिर पांच शक्तियों से बनी वो सर्पिका ही पहुंच सकती है। मुझे चंद्रलेखा को ढूंढना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो सच्चाई को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती है। अब हमें कुछ भी करके उस अभिमानी सर्पिका को मनाना ही होगा, क्योंकि एक वही है जो हमें उस चंद्रमणि तक पहुंचा सकती है। द्वारा बनाया गया ये कवच हमें संकेत दे रहा है, इसका अर्थ है कि कोई इस तरफ आ रहा है। अब यहां मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, यहाँ कर क्या रही है?
रानी साहब, हम यहाँ काली शक्तियों का पता लगाने आए हैं। अब राजा साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, निभानी तो पड़ेगी ही। तो क्या आपको कुछ पता चला काली शक्ति के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। देखते हैं वो काली शक्ति कब तक हमसे छुप कर बैठती है। पर आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? वो मुझे कुछ पता चला है उस काली शक्ति के बारे में। क्या? हमारा मतलब है, क्या पता चला है? यही कि वो काली शक्ति या तो मोहिनी ही है, या फिर उसका कोई संबंध हो सकता है उस काली शक्ति के साथ। क्या आपको सच में मोहिनी पर संदेह है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैंने उसका बदलता हुआ व्यवहार देखा है। उसका व्यवहार आम इंसानों जैसा नहीं है, और आज जो उसने किया उसे देखकर तो मैं खुद हैरान हो गई। इससे पहले मैं सारी सच्चाई अधिराज को बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आप मोहिनी के बारे में सब सच पता लगाएं। ठीक है, हम मोहिनी की सच्चाई का पता लगाएंगे, और अगर मोहिनी ही काली शक्ति हुई तो हम उसे पकड़कर स्वयं राजा साहब के सामने ले जाएंगे। सुनैना, राजा साहब, रानी साहब तो यहाँ नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस सुनैना के हाथों से तिलक लगवाना था। वो आज नवमी का पूजन है ना, इसीलिए। तो राजा साहब, मैं तिलक लगा कर देती हूँ आपको। ये तिलक है औषधि नहीं, और हमने तिलक लगाने का अधिकार केवल हमारी पत्नी को दिया है, किसी और को नहीं। पर राजा साहब, ये तो बस तिलक ही है ना, रानी साहब होती तो वो आपको लगा देती, मैं हूं तो मैं लगा देती हूँ ना। हमने एक बार कह दिया ना, और हमने तुम्हें दासी नहीं समझा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ, तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं। तो फिर उस दिन आपने हमें जाने से क्यों रोका? क्योंकि उस दिन हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किंतु एक बात हम अवश्य जानते हैं कि हमारी पत्नी सुनैना को तुम्हारा इस कक्ष में आना पसंद नहीं, और हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी पत्नी को नहीं पसंद। तो बेहतर होगा कि हमारी पत्नी के आने से पहले तुम इस कक्ष से बाहर चली जाओ। चले अधिराज, पूजा के लिए देरी हो रही है। माता अंबे की, माता के नौ रूपों की। अधिराज, मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्रेम किया, तुम्हें सब कुछ माना, और तुमने क्या किया? मेरा स्वप्न, मेरा दिल एक क्षण में तोड़ दिया।
मूवी किसके लिए थी राज? उस साधारण लड़की सुनैना के लिए? क्यों थी राज? उस सुनैना में ऐसी कौन सी बात है अधिराज जो मुझ में नहीं है? मैं शक्तिशाली हूँ, सुंदर हूँ, गुणी हूँ। फिर भी तुमने मुझे ठुकराया? क्यों अधिराज? क्यों? क्यों अधिराज? क्यों? ये तिलक है, औषधि नहीं, और हमने तिलक लगाने का अधिकार केवल हमारी पत्नी को दिया है। तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं। अब तक केवल प्रेम जताकर मैं उस राजा से प्रेम पाना चाहती थी, पर अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे अपना बना लूं। अधिराज ने अब तक केवल मेरा प्रेम देखा है, अब वो मेरा असली रूप देखेगा। आज के बाद तुम दोनों एक साथ नहीं रहोगे, सुनैना और अधिराज। तुम चिंता मत करो सुनैना, हम है ना तुम्हारे साथ। ऐसा लगता है ये काले बादल भी किसी काली शक्ति का प्रकोप है, और ये काली शक्ति कोई और नहीं बल्कि वो अधिराज। राजा साहब, राजा साहब कहाँ है?